लाखों दर्शकों का भरोसेमंद न्यूज चैनल R9 भारत। मोबाइल में स्टेटस लगाने का विवाद इस हद तक हावी हो गया कि 5 दोस्तों ने मिलकर एक दोस्त के सीने पर चाकू घोंप दिया और उसकी जान ले ली। जी हाँ, पूरा मामला मध्य प्रदेश के रीवा जिले का है, जहाँ रीवा जिले के बैकुंठपुर थाना अंतर्गत बैकुंठपुर स्कूल के पास 5 दोस्तों ने मिलकर एक दोस्त के सीने में चाकू उतार दिया और उस दोस्त की मौत हो गई। मृतक का नाम 17 वर्षीय गोविंद विश्वकर्मा बताया जा रहा है, जो कि नेबूहा गांव का निवासी है। और मोबाइल में स्टेटस लगाने का कुछ विवाद चल रहा था दोस्तों के बीच में, और इसी दौरान उन 5 दोस्तों के द्वारा गोविंद विश्वकर्मा को बैकुंठपुर स्कूल के पास बुलाया गया था। इसी दौरान विवाद आपस में ही इस हद तक हावी हो गया कि 5 दोस्तों ने मिलकर चाकू मार मार कर गोविंद विश्वकर्मा की हत्या कर दी। पहले तो गोविंद विश्वकर्मा घायल हुआ, लेकिन जब उसे इलाज के लिए अस्पताल लाया जा रहा था, इसी दौरान गोविंद विश्वकर्मा की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृतक गोविंद विश्वकर्मा 10वीं क्लास का स्टूडेंट था और 10वीं में पढ़ता था। बताया जा रहा है कि 17 वर्षीय गोविंद विश्वकर्मा के द्वारा मोबाइल में एक स्टेटस लगाया गया था, जिसको लेकर 5 दोस्तों के द्वारा उसका विरोध किया गया, और इसी दौरान बातचीत दोनों के बीच में ज़्यादा बढ़ गई और गोविंद विश्वकर्मा को बैकुंठपुर स्कूल के पास में बुलाया गया, जहां पर बातचीत इस हद तक हावी हो गई कि 5 दोस्तों के द्वारा मिलकर चाकुओं से प्रहार कर दिया गया और एक 17 वर्षीय गोविंद विश्वकर्मा को मौत के घाट उतार दिया गया। वहीं संजय गांधी अस्पताल में जब गोविंद विश्वकर्मा को डॉक्टरों के द्वारा मृत घोषित कर दिया गया, तो परिजनों के द्वारा पहले हंगामा किया गया और इसके बाद पुलिस के द्वारा मामला दर्ज किया गया और पुलिस के द्वारा यह आश्वासन दिया गया कि जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी, तब किसी तरह से परिजन माने। और परिजनों के द्वारा आज सुबह सबका पोस्टमार्टम करवाने के बाद उसको लेकर अपने घर चले गए हैं। वहीं पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में एक टीम तैयार की गई और उस टीम के द्वारा लगातार जगह जगह पर दबिश दी गई और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि अभी भी एक आरोपी फरार बताया जा रहा है, जिसकी तलाश पुलिस के द्वारा सरगर्मी के साथ की जा रही है। पुलिस अधीक्षक का कहना है कि जल्द से जल्द आरोपियों को सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा और कोई भी आरोपी बख्शा नहीं जाएगा। बताया यह भी जा रहा है कि जो विवाद हुआ था और जो आरोपी पकड़े गए हैं, उनसे पूछताछ में यह जानकारी लगी है कि मोबाइल स्टेटस लगाने को लेकर विवाद हुआ था, जिस कारण से चाकूबाजी की घटना हुई और चाकूबाजी के दौरान गोविंद विश्वकर्मा की मौत हो गई। अब जरा सोचिए, एक 17 वर्षीय युवक जो कि 10वीं क्लास का स्टूडेंट है और वह विद्यालय पढ़ने के लिए आता जाता था, लेकिन बैकुंठपुर थाना अंतर्गत अपराधियों के हौसले इस हद तक हावी हो गए हैं कि अब छोटे छोटे स्टूडेंट भी आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने लगे हैं। उन्हें ना तो कानून का खौफ रहता है और ना तो किसी प्रकार से अन्य किसी का खौफ रहता है। आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने से पहले एक क्षण भी नहीं सोचते। अब सोचिए, 5 दोस्त थे और 5 के 5 अभी स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, और उनके द्वारा चाकू लेकर अभी से ही चल रहे हैं और विवाद बढ़ गया तो चाकूबाजी की घटना को अंजाम दे दिए और एक व्यक्ति को मौत के घाट उतार दिए। जिस तरह से मध्य प्रदेश के रीवा जिले में आपराधिक घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही हैं, कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय बना हुआ है और इस पर अंकुश लगाने की ज़रूरत है। एक तरफ तो पुलिस के द्वारा लगातार कार्यवाहियां की जा रही हैं और पुलिस अधीक्षक के द्वारा यह बोला जा रहा है कि कोई भी आरोपी बख्शा नहीं जाएगा, वहीं दूसरी ओर दिन प्रतिदिन रीवा जिले में आपराधिक प्रवृत्ति के लोग बढ़ते चले जा रहे हैं, कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय बना हुआ है और इस पर अंकुश लगाने की सख्त से सख्त जरूरत है। हालांकि देखना अब यह दिलचस्प होगा कि मृतक गोविंद विश्वकर्मा के एक अन्य हत्यारे को पुलिस गिरफ्तार कर पाती है या फिर वह फरार ही रहेगा और पुलिस के द्वारा यह बताया जाएगा कि जल्द से जल्द गिरफ्तारी कर ली जाएगी। सचिन वर्मा, घटना ये हुई कि हम लोग स्कूल जा रहे थे, तो हम थे और ये हनुमान सिंह, युवराज सिंह मतलब, और वो रत्नेश गुप्ता और आदित्य सोदिया और 3-4 लोग थे। चाकू और 3-4 लोग आए, पहले बातचीत करने लगे, फिर चले गए, फिर दौड़ते हुए आए डंडी लाठी लेके, तो हम लोग पकड़ने लगे उनको, तो 4-5 लोग बड़े बड़े थे, तो जाके घेर लिए उसको, हम मारने लगे, और चाकू एक पता नहीं कोई मार दिया, करण सोनी था और पृथ्वीराज
और कौन थे वो? पृथ्वी था और तीन चार लोग थे, बड़े बड़े थे। गोविंद कुमार जी चाहू? जी गोविंद चाहू कहाँ कहाँ पे लगा? यहाँ और यहाँ पास। गोविंद की हालत कैसी है? गोविंद नहीं रहा हमारे बीच में। नहीं रहा? कैसे रहना? कौन कौन मारा चाहू? करण सोनी था, पृथ्वी था और तीन चार लोग थे बड़े बड़े। बात किस बात को लेकर हुआ था? स्टेटस के बारे में। स्टेटस क्या? जी स्टेटस में वो हंस रहा था, तो भाई गोविंद पूछा कि क्या काहे हंस रहे, तो बोला कि का कर लोगे गाली देके। जी कहाँ पर मारे ये लोग? यहाँ पास और यहाँ पास। स्थान कहाँ है जहाँ मारे हैं? बड़ी स्कूल हायर सेकेंडरी ग्राउंड। हाँ जी। अस्पताल में खत्म हुआ है कि रास्ते में खत्म हुआ है? पता नहीं। हो गया ना? जी पुलिस आप पुलिस मामले में रिपोर्ट दर्ज कर ली है? जी। आप कौन हो? हम उसके भाई ही लगते हैं, दोस्त ही हैं। हमारा नाम गोविंद का बड़ा भाव है, मैं विश्वकर्मा। कैसे करना हुई आपके भाई के साथ? हम मिर्जापुर गए थे ऐसे डाबरी में घूमने भागने, और वहाँ से जब लटक रहे थे तो हमको कलवारी मोड़ में पता चला कि ऐसी ऐसी घटना हो गई है, तो आप हॉस्पिटल पहुँचो, हमको कुछ नहीं बताया गया था। हम जैसे यहाँ पहुँचे तो बताया कि ऐसा ऐसा हाल हो गया, तो हमारे कुछ समझ में नहीं आया हम क्या करें सर। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है? हमको कुछ नहीं पता सर। आरोपी पकड़ रहे हैं अभी? कोई नहीं पकड़ा है सर, हम नहीं जानते हैं सर, हम अब क्या बताएं। जी सर खेत में कल एक छात्र की हत्या हुई है, क्या है मामला सर, क्या घटना है? बैकुंठपुर थाना क्षेत्र में कल लगभग 4 बजे के आसपास 5 युवकों ने मिलकर एक अन्य युवक से उनका विवाद हुआ। मोबाइल में कुछ स्टेटस लगाने संबंधी अभी जानकारी प्राप्त हो रही है, उस संदर्भ में विवाद बढ़ा और उसके दौरान तत्काल इस घटनाक्रम को उन लोगों ने अंजाम दे दिया और वो लोग भाग गए। पुलिस को पता पड़ने पर तत्काल मौके पर पहुँच के अग्रिम कार्रवाई शुरू की, और लगातार हमने फिर कल से ही तीन टीमें बनाई और अभी हमारी टीमों को सफलता मिलना शुरू हुई है। पहला आरोपी अभी राउंड अप ने किया है, उससे भी पूछताछ शुरू की है कि घटना का मूल विवाद क्या था, मूल कारण क्या था, और अन्य साथियों के बारे में भी काफ़ी जानकारियाँ उनसे भी लेना प्रारंभ किए। तो हमें आशा है कि अतिशीघ्र हम सभी लोगों को राउंड अप कर लेंगे और मूल समस्या का पता करके उसके अकॉर्डिंग फिर आगे अपनी कार्रवाई करेंगे। कितने आरोपी हैं सर? कुल 5 आरोपी घटनाक्रम में शामिल हैं। इसी के साथ मैं संवाददाता विजय तिवारी, रीवा।